नमस्कार दर्शकों, बवाल न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दुनिया का नंबर वन सर्वश्रेष्ठ न्यूज रिपोर्टर अजय लुल्ला। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया की। क्रिकेट की दुनिया की बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड और इंडिया के दूसरे सेकंड ओडीआई मैच की, कि इतना छोटा मैच न्यूजीलैंड ने कैसे खेला, इसके ऊपर हम सारी वार्तालाप करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे कल शनिवार को जो दूसरा ओडीआई मैच न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में खेला गया, बेहद ही धाकड़दार मैच था। टॉस होने के बाद रोहित शर्मा एकदम भूल गए उन्हें बल्लेबाजी करनी है गेंदबाजी, उन्होंने जल्दबाजी में आकर गेंदबाजी चुन ली। तो मैं बताऊं, जब गेंदबाजी शुरू हुई, हमारे लॉन्डो ने एक नंबर की गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड को बड़े ही कम स्कोर पर ढेर कर दिया। बात करूंगा मोहम्मद शमी की, जो वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वनडे में आने के बाद मोहम्मद शमी ने दिखा दिया कि वो एक बेस्ट बॉलर है। आउट होने के बाद न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा कम स्कोर पर आउट हो गई। इतना छोटा स्कोर कि मेरे बाथरूम से भी ज्यादा छोटा स्कोर। जो हमारे लॉन्डो ने जो बॉलिंग की है, न्यूजीलैंड को ढेर कर दिया। 108 रन पर न्यूजीलैंड सारी ढेर हो गई, सारे ऑल आउट हो गए, देखने वाली बात थी। लेकिन ये वही न्यूजीलैंड है जिसने पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराकर दिखा दिया था कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने के बाद न्यूजीलैंड को ये लग रहा होगा कि इंडिया को इंडिया में आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की टीम का कंपैरिजन करना नामुमकिन है। तो चलो 10-12 ओवर में भी 108 रन सेफ नहीं है। ये तो 50 ओवर का मैच था जिन्होंने हमारे लॉन्डो ने आराम से बढ़िया रन बना दिए। रोहित शर्मा ने 50 बना के, ज़्यादा पंगे नहीं लिए, 50 बनाए और आराम से मैच खत्म हो गया। तो मैं न्यूजीलैंड को ये बोलना चाहूँगा, तुम वही न्यूजीलैंड हो जो वर्ल्ड कप में हमें बार बार हराती हो, लेकिन ये जब सीरीज होती है तो सारे मैच हार जाती है। तो न्यूजीलैंड अब वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ हारने के लिए तैयार रहे, हम रेडी हैं। तो वीडियो ऐसे ही मिलती रहेगी,